मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या स्टडी किया था? लास्ट क्लास में हम लोगों का जो चैप्टर नंबर 7 जो रनिंग में था, चैप्टर नंबर 4th रनिंग में था, एंड चैप्टर नंबर 4th वाज द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। ओके, चैप्टर नंबर 4th में हम लोगों ने कुछ पैसेजेस जो थे वो स्टडी किए थे। ओके, सो नाउ व्हाट विल डू टुडे इन दिस क्लास, टुडे इन दिस क्लास विल रीड अ फर्दर पैसेजेस। ओके, अपने जो आगे के जो पैसेज हैं वो पैसेज हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, सो मूव ऑन पेज नंबर 203 डाउनसाइड पैसेज। पेज नंबर 203 पर जो डाउनसाइड पैसेज है वो हम लोग स्टडी करते हैं। ओके, क्या होता है कि जो डॉग होता है उसे मतलब उसकी जो जहाँ पर उसे दफनाया जाता है वहाँ वो मैन जाता है, उसका जो ऑनर होता है वो जाता है, एंड उसके लिए मतलब फूड उसे प्रोवाइड करवाता है, एंड उसे बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट नाम से वो बुलाता है, मतलब उसके गम में वो उसे जैसे वो जिंदा है उस तरीके से वो उसे बुलाता है। ओके, नाउ दैट नाइट द स्प्रिट ऑफ द डॉग अपीयर टू हिम इन अ ड्रीम। उस रात क्या होता है फिर, उस रात जब जो मैन है वो आकर सो जाता है घर में, तो उसे एक ड्रीम आता है, उसे एक स्वप्न आता है, सपना आता है। ओके, जिसमें कि जो डॉग है वो अपीयर होता है, एंड उसे क्या कहता है, उसे कहता है, क्या कहता है, मतलब ड्रीम्स में आता है, कहता है, एंड से कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव, कि जहां मेरी ग्रेव बनाई हुई है वहां से आप पाइन ट्री को कट कर दो, जहां मेरी ग्रेव बनाई हुई है वहां से आप पाइन ट्री को कट कर दो, एंड मेक फ्रॉम इट ए मॉरेटर, और उससे एक तुम कटोरी टाइप से हो सकता है, ठीक है, एक स्मॉल मतलब बाउल जिसमें हम फूड कैरी कर सकते हैं। ओके, वो आप बनाओ फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड अ मील फॉर योर बीन सॉस, किसके लिए, आपके जो राइस पेस्ट्री है उसके लिए, और आपकी जो मील है ओके बीन सॉस की, उसके लिए आप वहां से वो मॉरेटर आप बनाओ। ओके, सो द ओल्ड मैन चॉप्ड डाउन द ट्री एंड कट आउट द मिडिल ऑफ द ट्रंक। तो जो ओल्ड मैन होता है वो क्या करता है, उस पाइन ट्री को कट कर देता है, एंड मतलब चॉप कर देता है, एंड कट आउट द मिडिल ऑफ द ट्रंक, और उसकी जो पाइन ट्री की जो स्ट्रीम होती है, ओके, जो ट्रंक होता है उसके बीच से वो कट कर लेता है। ए सेक्शन अबाउट 2 feet लॉन्ग, एक सेक्शन जो कि अबाउट 2 feet लॉन्ग था, 2 feet लंबा था, विथ ग्रेट लेबर, पार्टली बाय फायर पार्टली बाय क्रैश ही शार्प्ड आउट अ हाउल प्लेस एज बिग एज अ स्मॉल बाउल। और वो क्या करता है, मतलब उसमें कुछ कहीं से वो आग लगाता है, ओके, कहीं से वो उसे कट करता है, कहीं से उसे शार्प करता है, ओके, एंड ऐसे करके वो एक हाउल में, उस हाउल में वो एक स्मॉल बाउल बनाता है। ओके, ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडेड हैमर, और फिर देन ही मेड, और फिर वो क्या बनाता है, एक लॉन्ग हैंड का हैमर बनाता है ऑफ वुड, उस वुड का एक लॉन्ग हैंड ऑफ हैमर वो बनाता है, सच एज इट यूज फॉर पाउंचिंग राइस, जो कि राइस को मतलब पाउंच करने के लिए, हिट करने के लिए उसे यूज किया जाता है। ओके, इस तरीके से वो उसे एक हैमर बनाता है। ओके, टर्न आउट योर पेज, नेक्स्ट पेसेज, When New Year's time drew near, और जैसे जैसे New Year का टाइम नज़दीक आ रहा था, he wished to make some rice pastry, तो वो कुछ rice pastry जो है वो बनाना चाहता था, वो कुछ rice pastry वो मतलब उसकी wish थी ये कि वो rice pastry बनाए। When the rice was all boiled, जब rice जो है वो अच्छी तरीके से पूरी बहुत अच्छी तरीके से बॉयल हो गए, ग्रेनरी पुट इट इनटू द मोर्टर, तो जो लेडी जो है ओके जो मतलब उसकी वाइफ जो है ओके वो उन्हें उस मोर्टर में डाल देती है। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मैस इनटू डॉ, और जो ओल्ड मैन जो है वो उस पर हैमर यूज करते हैं ताकि जो राइस बॉइल्ड राइस उन्होंने डाले थे
उनका एक डो तैयार हो जाए. ओके, एंड द बाउल फेल हैवी एंड फास्ट स्टिल द पेस्ट्री वॉज ऑल अराउंड फॉर बेकिंग. और एंड द बाउल फेल हैवी, बाउल जो है उसे बहुत ज्यादा हैवी फील होता है. एंड फास्ट स्टिल द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी फॉर बेकिंग. और बहुत ही जल्दी जो पेस्ट्रीज हैं वो बेकिंग के लिए तैयार हो गई थी. ओके, सडनली द होल मैच टर्न इन टू द हैप ऑफ गोल्ड कॉइन. और अचानक से ये सारा जो मतलब डो वगैरह जो उन्होंने तैयार किया था एंड बेकिंग के लिए जब वो उसे रख रहे थे, उसे पहले अचानक वो सब कुछ गोल्ड कॉइन्स में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, अचानक से मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में वहां पर गोल्ड कॉइन्स आ जाते हैं. व्हेन द ओल्ड वुमेन टुक द हैंडमिल, और जब ओल्ड वुमेन ने जो हैंडमिल जो है वो लिया एंड लिफ्टेड इट टू द बीन्स, उनको बीन्स में लिफ्ट किया, बिगेन टू ग्रेंड, वो ग्रेंड होना स्टार्ट हो गए. द गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक रेन, और जब जो बीन्स जो थे वो मतलब निकल रहे थे जब. ओके, जो बीन्स जो थे जब उन्हें वो ग्रेंड कर रही थी, तो ग्रेंड के बाद वो जब बाहर निकल रहे थे तो एकदम से बारिश की तरह गोल्ड की मतलब ड्रॉप्स गिरने लगी, गोल्डन बारिश होने लगी. ओके, मीनवाइल द एनवायरस नेबर पिप्ड इन एट द विंडो, और जो उनके नेबर्स जो थे, ओके, उसी टाइम उनके जो नेबर्स थे वो बहुत ही ईर्ष्या के भाव से, ओके, उनकी जो विंडो थी वहां से वो देख रहे थे, छुपके वो उन्हें देख रहे थे. व्हेन द बॉइल्ड बीन्स वर बीइंग ग्राउंड, जब जो गोल्डन बीन्स जो है उन्हें ग्राउंड में मतलब बोया उन्हें जा रहा था. ओके, गोडली मी, ये इट्स अ रिएक्शन. ओके, ये क्या है, गोडली मी, इट्स अ रिएक्शन, क्राइड द ओल्ड हैग. जो ओल्ड हैग जो है, ओके, जो मतलब जो बुरी जो ओल्ड वुमन थी वो ऐसा कहती है. ओके, वो जोर से ऐसे चिल्ला के वो कहती है, एज शी शो ईच ड्रॉप ऑफ सोस टर्न इन टू येलो गोल्ड, जैसे ही वो देखती है कि एवरी ड्रॉप जो है वो गोल्ड येलो गोल्ड में कन्वर्ट हो गई. सोस की एवरी जो ड्रॉप थी वो येलो गोल्ड में कन्वर्ट हो गई. अंटिल अ फ्यू मिनट्स द ट्यूब अंडर द मेल वर फुल ऑफ द शाइनिंग मैश ऑफ गोल्ड, और जल्दी से ही, ओके, बहुत ही जल्दी से जो ट्यूब जो थी, ओके, मतलब वहां पर कंप्लीट वहां पर उन्हें गोल्ड उन्हें मिल गया था. ओके, वहां पर कंप्लीट गोल्ड उन्हें मिल गया था, वहां पर मैश ऑफ गोल्ड हो गया था. ओके, जो काउंटर था उनका दैट वॉज फुल ऑफ गोल्ड. ओके, सो हियर कंप्लीट्स आवर चैप्टर. व्हाट्स योर होमवर्क, यू हैव टू रीड दिस क्वेश्चन आंसर्स ऑफ ऑल द पैसेजेस एंड यू हैव टू लर्न वर्ड मीनिंग्स ऑफ ऑल द पैसेजेस. इफ एनी स्टूडेंट इज हैविंग एनी डाउट एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू एनी ऑफ द टॉपिक, यू कैन आस्क टू मी. ओके, बाय.